हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुधीर। देखिए, व्हाट्सएप चैनल पे लिंक होने के लिए जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से ऐड हो सकते हैं। और ये मेरा नाम है सुधीर, और आज हम पढ़ेंगे शीट नंबर 13, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर 7। 7 के मल्टीप्लीकेशन के फैक्ट पढ़ेंगे। तो देखिए, अब मिसिंग नंबर आपको फाइंड करना है बॉक्स में। तो 7 5 जो कितना होता है 35, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7, 12 7 जा 12 7 जा 84, 7 7 जा 49, 3 7 जा 21, 10 7 जा 70, 4 7 जा कितना होता है 28, 2 7 जा 14, 11 7 77, 7 6 42, 7 9 63। यहाँ पे देखिए, 7 के से इसको डिवाइड करेंगे उतने 7 4 जा 28। सॉरी, हाँ कुछ तबीयत ठीक नहीं है। तो 7 4 जा 28, 7 10 जा 17, 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। अब देखिए, यहाँ पे जब हम फिर से डिवाइड करेंगे 7 को 60 से, 7 9 जा 63, 7 6 जा 42, 7 11 जा 77। देखिए, जब किसी भी नंबर को हम सेवन किसी भी ऊपर लिखा है किसी नंबर को हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे ज़ीरो लिखा है, तो इसका आंसर हमेशा ज़ीरो आता है। तो कितना आएगा? ज़ीरो। 84 है, जैसे 84 आपको नहीं पता तो क्या करेंगे, 7 1 जा 7, 1 4, 7 2 जा 14, तो 7 12 जा कितना होता है 84। देखिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए ना तो ये आ जाएगा। अभी पिछले चैप्टर में जैसे हमने किया था 6 के मल्टीपल में, तो 7 के टाइम 21, 7 3 जा 21, 7 8 जा 56, 7 5 जा 35, खत्म हो गया। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 में किसका मल्टीप्लाई करें कि हमको कितना मिल जाए 42। तो या तो आप एक काम और करें, 42 को आप 7 से डिवाइड करें, 7 6 जा 42, ऐसे भी आप आंसर कर सकते हैं 6। और अगर आपको याद है तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए, 7 11 7 जा 77, 3 7 जा 21, 9 7 जा 63, 12 कब आएगा 2 7 जा 14 है, मैंने 12 बोल दिया, 8 7 जा 56। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 7 जा 35, 84 है तो 12 7 जा 84, 4 7 जा 28, और यहाँ पे 10 7 जा 70, 7 1 जा 7, और 7 7 जा 49। देखिए, 7 कब आएगा, तो मैंने आपको बताया, क्या बताया था, फिर से बता रहा हूँ, एक्स डिवाइड बाई 7 बराबर 7। तो मैंने क्या बताया था कि जब मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू के उधर जाएगा, तो डिवाइड किस में चेंज होगा, मल्टीप्लाई में। तो 7 इक्वल टू कितना है 7 7, तो कितना आ जाएगा एक्स बराबर 49। तो यहाँ पे क्या जाएगा 49। अब देखिए, इसको दूसरे तरीके से भी समझिए, एक्स अपॉन 7 लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है, एक्स जहाँ पे ये एक्स है ना, एक्स अपॉन 49, तो ये आपका हो जाएगा 7। अब मैंने बताया था कि अगर कोई चीज़ डिवाइड में हो इक्वल टू के इधर जाएगी तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो एक्स बराबर 7 × 7 आ जाएगा 49। तो हम इतना काम नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे। अब देखिए, डिवाइड का साइन है, यहाँ पे ये एक्स है, तो क्या हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आंसर 7 4 जा 28, 7 0 जा 0, 7 10 जा 70। अब देखिए, यही तो आएगा, 7 से अगर आप 70 को डिवाइड, 7 10 जा 70, यही तो आंसर आएगा, 7 6 जा 42, 11 7 जा 77, 7 8 जा 56, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14, 9 7 जा 63, 12 7 जा 84। तो दोस्त, ये वीडियो भी खत्म हो गया यहाँ पे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और ये मेरा QR कोड है, अगर आप कुछ पे करना चाहते हैं, अपने प्यार मोहब्बत से जो भी पे करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फाइनली मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।